सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। तो बहुत ही बढ़िया दिन है आज और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। हम एक छोटे से राइड पे जा रहे थे और 6:30 था मीटिंग प्लान और अभी 6:57 हो रहा है। तो हर एक राइड में कोई ना कोई लेट करने वाला होता ही है, पर इस राइड में मैं ही हूँ। तो जल्दी जाना है, हमें जल्दी जाके वहाँ पे मीटअप पॉइंट पे मिलते हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं, ये यहीं पे अनंतगिरी हिल्स बोल के हैदराबाद में, अगर आप रहते हैं तो आपको मालूम होगा, जो हैदराबाद के बाहर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अनंतगिरी हिल्स बोल के एक प्लेस है जो कि मेरे प्लेस से 70 किलोमीटर पड़ता है। तो मानसून में जाने का सबसे बेस्ट प्लेस है, अगर आप जाना चाहते हो सिटी के अराउंड तो बहुत ही बढ़िया प्लेस है वो। इफ़ यू स्टे इन हैदराबाद देन यू शुड विजिट दैट प्लेस इन मानसून। ज़्यादा ओवर हाइप्ड है, उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करके मत जाना, बट देखने लायक रहता है। तो हम मीटिंग स्पॉट पे मिल गए, अभी हम नेक्स्ट मीटिंग स्पॉट पे जा रहे हैं। तो जो मेरे हम्पी वाले राइड में देखा होगा सभी लोगों ने, तो कृष्णवंशी बोल के मेरा एक दोस्त है, एक्सपल चलाता है, तो हम उसके घर पे मीट होने वाले हैं अभी। तो वहाँ पे हम जा रहे हैं, तो पहुँच भी गए हम, वंशी से भी मिल जाएंगे तो सीधा आगे बढ़ेंगे। ऐसे तो हम लेट ही हैं पर वेदर बहुत ही बढ़िया है, धूप हमें को कहीं नहीं मिलने वाली, बस सिटी का ट्रैफिक से मैं डरता, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, सुबह उठने की तो आदत गई। तो ये रहा अपना हीरो। तो हम तीन जन मिल गए और एक जन बाकी है जो हमको आगे मीट होने वाला है। तो यहाँ से तो हम राइड अभी तीन ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक एक्सपल्स है और एक बुलेट है और अपनी प्यारी मेटियोर है भाई। तो चलो आगे। ये हमारे वंशी भैया जा रहे हैं आगे, यही हमको गाइड कर रहे हैं, इन्होंने लगा रखा है गूगल मैप, तब से बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। आगे एक्सपल्स वाला तो रुक ही नहीं रहा भाई, अलग ही जोश में है भाई। खाली थे कट मार रहा है भाई, अरे 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 एकदम फुल बादल हो रखे हैं। आई थिंक सो स्टार्ट भी हो चुका है बारिश के ऊपर टपक रहे हैं बादल। वेदर तो भाई जबरदस्त है। Yeah.
मौसम साथ अगर दे ना, बारिश ना हो तो सबसे बढ़िया चीज़ लग रहा है मुझे देखने में। आपको व्यू भी पता चल रहा होगा, देखो इतना सुंदर व्यू आ रहा है। हमारे वंशी भाई तो असल फुल ऑन फायर है, रेस मार के बस आगे निकल जा रहे, कहीं की जाके रुक रहे, फिर हमारे लिए वेट कर रहे। हम तो थोड़े स्लो राइडर्स है भाई, तो वहाँ जाने के बाद अच्छे से बात करते हैं। देखो देखो काली फायर ఏదో రాయి అనుకొని పట్టేసుకున్నాడు, అది బొక్క తేలింది. అది ఇంటెలిజెంట్ బ్యాటరీ సేవింగ్ అన్నమాట, ఇట్లా ఆన్ చేసిన వెంటనే స్క్రీన్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ట్రెక్కింగ్ కర్రే భయ్ अंधगिरी रिलीज होने के बाद आपको वहाँ गेट मिलेगा, वहाँ से आप ट्रेकिंग का पास लेके ऊपर आ सकते हैं। अभी हम व्यू पॉइंट के पास जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर है यहाँ पे। अगर आपको नेचर में ऐसा घूमना बहुत पसंद है तो ये प्लेस बहुत ही बढ़िया रहेगा। फाइनली रीच्ड व्यू पॉइंट है, तो एक्चुअली क्या हुआ, हम जंगल में खो गए। अभी हम कहाँ जा रहे समझ में भी नहीं आ रहा। तो ट्रेकिंग हो गई कंप्लीट, हम भी रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और गोप्रो में भी हो चुका है
फ्यूल ख़त्म, सॉरी इसका जूस ख़त्म हो गया है, गोप्रो की भी बैटरी भी डाउन हो चुकी है। हमने सोचा था बारिश होगी बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर और धूप निकल गई यार। सुबह जब हम आ रहे थे तब का वेदर बहुत ही बढ़िया था, मतलब अभी भी बहुत अच्छा है, अगर बारिश होती तो और भी मज़ा आ जाता यहाँ पे। अभी हम कहीं पे रुकते हैं, लंच करते हैं, फिर बाद में रिटर्न अपने घर। सो गाइस, हमने ना लंच कंप्लीट किया और अभी हमने फिर से राइड अपना शुरू कर चुका है। तो अभी 2:08 कुछ हो रहा है, मतलब शाम के 2 बज रहे हैं, और 2 घंटे में हम शायद अपने घर पे रहेंगे। तो ये अराउंड कुछ 60 किलोमीटर का राइड था और सच्ची बताऊँ तो बस मस्ट नीडेड राइड था। लॉकडाउन के बाद पहली बार हम बाहर आए इतने लॉन्ग में, और आनंदगिरी हिल्स आने का सही सीज़न है यार ये, अगर मानसून में है तो पक्का आइए, बिकॉज बहुत ज़्यादा ग्रीनरी रहती है, नेचर भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है आपको। और इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि मेरे GoPro में भी चार्जिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करे भी ना चले जा रहे हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब करना है आपको। और अगर आपको क्या अच्छा लगा उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ गाइस।